नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बची हुई रोटियों से मैं आपको एक अच्छी सी चटपटी सी डिश बताई है जो हमारे खाने में हेल्दी भी है और बच्चों को बहुत अच्छी से पसंद आएगी। अगर आपको हमारे बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा कि हमने ये डिश कैसे बनाई है। ये देखिए, ये मेरी बची हुई रोटियाँ हैं। आप चाहें तो ताज़ी रोटी का भी बना सकते हैं। ये बची रोटी से मैं आपका इसका यूज़ करना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बॉईल किए हुए आलू हैं। इन आलूओं को हम इस कद्दूकस की सहायता से इसको कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने आलू कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा काट के हमने बारीक बारीक प्याज डाल दिया है और दो तीन हमने इसमें डाल दिए हरी मिर्च। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए, आलू हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब ये देखिए कि ली हमने प्लेट, इसमें हमने रखी है रोटी। ये है हमारा मिक्सर, इसको हम हाथों से इसमें रोटी में पूरी तरह से इसको फैला देंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगा के ऐसे हम इसको रोटी में पूरा फैला देते हैं। ये देखिए, मैंने सब अच्छे से इसमें फैला के ऐसे हल्के हाथों से इस पर हमने दबा दिया है। ये देखिए, मेरे पे एक प्लास्टिक का डिब्बा है। आप पे अगर छोटी कटोरी हो, मगर ये चीज़ हमारी साफ होनी चाहिए। अब इसको हम रोटी पे ऐसे रख के गोल गोल काटेंगे। इस तरह हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए कितना गोल पीस ऐसे हमारा निकल के होगा तैयार। इसी तरह से हम सारे गोल पीस रोटी में लगा के काट लेते हैं। ये देखिए, हमने सब बना के कर लिए हैं तैयार। ये कि हमने बॉल लिया है, हमने एक कटोरी लिया है हमने बेसन और इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी के करीब हमने इसमें डाल दिया है पालक। इसको हमने डिश को हेल्दी करने के लिए, क्योंकि हम वैसे कच्चे पालक नहीं खाते हैं तो वैसे पालक खा लेंगे, इसलिए हमने पालक का यूज़ किया है। स्वाद अनुसार हमने डाल दिया है इसमें नमक और हमने हाफ टी स्पून करीब हमने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाला इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर। इसमें हमने हरी मिर्च नहीं डाली है और इसमें हमने हाफ टी स्पून हमने इसमें डाल दिया अजवाइन। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और इसमें हमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके बैटर को तैयार करेंगे और इसको हम बहुत ज़्यादा पतला बैटर तैयार नहीं करेंगे, इसको हम मीडियम करेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बैटर को तैयार करेंगे। आपको दिख रहा होगा हमारा बैटर बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। इस तरीके से हमने बैटर को तैयार करना है। ये देखिए, हमने कढ़ाई में रख दिया है तेल। ये है हमारा बेसन का घोल। ये है हमारी रोटियां जो हमने ढक्कन की सहायता से इसको काट लिया था। अब इसमें से हम एक एक इसी तरह से इसको उठाएंगे, बेसन में डिप करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको हमने डिप किया और इसमें हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए, इसी तरह से हम सभी रोटियों को ऐसे डिप करके इस पर हम डालेंगे। ये देखिए, इतने अच्छे डिप हो जाती है और इसको हमने ऐसे इसमें डाल देना है। इसी तरह से हम सभी को डाल के फ्राई करेंगे। अब देखिए, इनको हम कर देंगे पलट देंगे। ये देखिए कितने अच्छे ये दिखने में देख लग रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम अपनी बासी रोटियों का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ताज़ी रोटी बनाकर भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, अब गोल्डन होने तक इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे अलट पलट कर और इसको फिर हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारे फ्राई करके कर लिए तैयार। आइए इसको खाते हैं हम चाय के साथ।